الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صلى الله على سيدنا محمد واله واصحابه وسلم السلام عليكم students and high viewers welcome to YT knowledge seeker youtube channel my name is Mahmudul Hasan lecturer in computer science aaj ke lecture mein हम एक्टिविटी लाइफ साइकिल को प्रैक्टिकली डेमोंस्ट्रेट करेंगे। ये हमारे पास एक सिंपल सी ऐप जो है, जो हेलो वर्ल्ड हमने पहली ऐप बनाई थी, ये उसका कोड है। इसमें देखें कि ये एक्सएमएल फाइल, इसमें एक ही टेक्स्ट व्यू है और ये मेन एक्टिविटी के अंदर हम यहाँ कोड करेंगे एक्टिविटी लाइफ साइकिल को डेमोंस्ट्रेट करने के लिए। तो उसके जितने भी मेथड्स हैं वो सारे के सारे हम ओवरराइड करेंगे। तो पहले एक कांस्टेंट वेरिएबल ले लेते हैं, स्ट्रिंग टैग। अब ये बेसिकली मैंने प्राइवेट स्टैटिक फाइनल स्ट्रिंग, फाइनल जो हमारा वेरिएबल होता है। अब ये एक हमने इंस्टेंस वेरिएबल क्रिएट किया है स्ट्रिंग का, और इसमें बेसिकली हमें यहाँ पे देखें मेन एक्टिविटी डॉट क्लास डॉट गेट सिंपल नेम, ये गेट सिंपल नेम मेथड है, ये हमें रिटर्न करेगा, यानी क्लास का नेम, यानी इसी क्लास का नेम हमें रिटर्न करेगा। ठीक है, उस बेसिकली एक स्ट्रिंग वेरिएबल है जिसमें ये नेम पड़ा हुआ है। ठीक है, हम वैसे भी दे सकते थे लेकिन ये आपको चलेंगे मेथड एक्सप्लोर हो गया कि अगर आपने किसी क्लास का नेम सिंपल नेम देना है तो सिंपल नेम से बात ये है कि उसका जस्ट नाम, अदरवाइज इसके अंदर और भी मेथड होंगे डेफिनेटली जिसके अंदर पूरी इसकी डिटेल होगी कि ये किस पैकेज से बिलोंग करता है। ठीक है, तो ये स्ट्रिंग वेरिएबल टैग ले लिया हमने, ऑन क्रिएट मेथड है। इसके अलावा हमारे पास कौन कौन से मेथड हैं जिन जो हमने एक्टिविटी लाइफ साइकिल के अंदर स्टडी किए थे, वो है ऑन स्टार्ट, ऑन स्टार्ट। ठीक है, ये ऑन स्टार्ट को हमने सेलेक्ट करके एंटर किया, वो ओवरराइड हो गया। मैं इसी तरह ऑन रिज्यूम, ठीक है, इसके अलावा हमारे पास ऑन पॉज, ऑन पॉज के बाद ऑन स्टॉप। अच्छा, आप देखेंगे कि जस्ट मैं ऑन लिखता हूँ तो सजेशन विंडो मेरे पास आ जाती है, उसमें पूरे पूरे जो मेथड हैं जो वो हमें व्यू करवा रहा होता है। तो हम जिस मेथड सेलेक्ट करके एंटर करते हैं वो उसको ओवरराइड कर देते हैं, ऑन डिस्ट्रॉय। ठीक है, ये सारे जो मेथड हमने लाइफ साइकिल में स्टडी किए थे वो ओवरराइड हो गए। इसमें एक और मेथड था, वो था ऑन रीस्टार्ट। तो रीस्टार्ट नॉर्मली ऑन पॉज और ऑन रिस्टार्ट, ये जब पास करते हैं उसके बाद दोबारा एक्टिविटी को, जब हमारी ऐप पास होती है टेम्परेरी तो उसके बाद जब वो दोबारा स्टार्ट होती है तो रिस्टार्ट मेथड उस वक्त कॉल होता है, ऑन रिस्टार्ट। ठीक है, ये मैं ऑन रिस्टार्ट को भी ओवरराइड कर लिए। अच्छा, अब इसमें हम क्या करते हैं कि हमारे पास एक क्लास होती है लॉग, ये हम डिबगिंग के लिए यूज़ करते हैं, लॉग डॉट आई। इसके दो पैरामीटर हैं, एलओ जी लॉग डॉट आई इन्फो, आई फॉर इन्फो, दो पैरामीटर हैं। एक हमने टैग दे दिए जो क्लास का नेम है, दूसरा हम मैसेज दे रहे हैं कि ऑन क्रिएट मेथड इज इन्वोक्ड। ठीक है, और स्टेटमेंट टर्मिनेटर। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल आपका यहाँ पे एरर दे रहा हो, लॉग रेड कलर में है, तो समझ लें कि ये ना यहाँ पे ये पैकेज इंपोर्ट नहीं हुआ, लाइक दिस। अरे वो अब देखें पैकेज इंपोर्ट नहीं है, जो लॉग क्लास है वो यूटिल पैकेज की थी वो इंपोर्ट नहीं है, तो इस तरह एरर देगा।
आप इस पे क्लिक करेंगे तो अंडरलाइन जब हो जाएगा तो ये देखें, जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया तो कहता है जी आर्ट प्लस इंटर प्रेस करें इसका जो पैकेज है उसको इंपोर्ट करने के लिए। मैं आर्ट इंटर प्रेस करता हूँ तो ये देखें ये पैकेज जो है इंपोर्ट हो गया, क्लास इंपोर्ट हो गई है, तो उसको अब हम यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने कॉपी किया इसको, यहाँ से पेस्ट कर लेते हैं सब में, बाद में इनके नेम चेंज कर लेंगे मैसेज के अंदर। ये ऑन स्टार्ट है, इधर ऑन स्टार्ट कर देते हैं, ऑन लगियों ऑन लगियों। ये मैं डबल क्लिक करता हूँ तो वो सिलेक्ट हो जाता है। अब ये सारे के सारे हमने लॉग मैसेजेस लिख दिए हैं। अब हम इसको रन करके चेक करेंगे, ठीक है, तो इसका सीक्वेंस कैसे काम करता है। तो मैंने ये मेरे पास एक थर्ड पार्टी इमुलेटर है, मैंने इसको रन किया हुआ है नॉक्स प्लेयर। इसका जो डिफ़ॉल्ट इमुलेटर है वो ज़्यादा टाइम लेता है, ये ज़रा जल्दी इसमें ऐप रन हो जाती है। तो अब मैं रन करने लगा हूँ यहाँ पे रन, और मैंने ये ऐप जो नॉक्स इमुलेटर है की है डिवाइस को सिलेक्ट कर लिया, ओके। और ये लॉग इवेंट लॉग जो है हमारे पास यहाँ पे देखिए, ये लॉग कैट है, ये नीचे टास्क बार के अंदर ये लॉग कैट है। इधर लॉग कैट पे मैंने क्लिक किया, लॉग कैट के अंदर ये देखिए ऑन क्रिएट, ये मेन एक्टिविटी है, हमारे क्लास का नाम आ गया मेन एक्टिविटी कॉलन। ऑन क्रिएट मेथड इज इनवोक्ड, ऑन स्टार्ट मेथड इज इनवोक्ड, ऑन रिज्यूम मेथड इज इनवोक्ड। यानी कि जब हमारी एक्टिविटी विजिबल होती है, एक्टिविटी विजिबल होती है मेमोरी में लोड होती है और विजिबल होती है, तो ये बेसिकली तीन मेथड हमारे रन हुए हैं, ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट और ऑन रिज्यूम। अब यहाँ पे देखें, मैं जैसे ही होम स्क्रीन पे जाता हूँ तो जो हमारी ऐप थी वो हाइड होगी, लेकिन अभी रनिंग में है। अब आप देखेंगे यहाँ पे कि ऑन पाज मेथड इज इनवोक, ऑन स्टॉप पाज हुई उसके बाद वो स्टॉप हो गई, ठीक है, अभी डिस्ट्रॉय नहीं हुई अभी। अब मैं इसको यहाँ से रिसेंट टास्क जो है उस पर क्लिक करता हूँ तो ये हमारी हमें मिल जाती है जो हमारी एक्टिविटी पहले पाज हुई थी, स्टॉप हुई थी, तो उस पर मैं क्लिक करता हूँ तो रीस्टार्ट का मेथड कॉल होगा और रिज्यूम का मेथड कॉल होगा। अब आप ये देखें, हमारे पास रीस्टार्ट मेथड इनवोक हुआ, स्टार्ट मेथड इनवोक हुआ और रिज्यूम मेथड इनवोक हुआ। लेकिन जैसे ही हम यहाँ बैक के बटन पे क्लिक करेंगे स्टॉप भी हो जाएगा और डिस्ट्रॉय भी हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखें, ऑन स्टॉप मेथड इज इनवोक, ऑन डिस्ट्रॉय मेथड इज इनवोक, ठीक है। अब बेसिकली यहाँ पे तो मैंने जस्ट एक मैसेज ही प्रिंट करवाया है, लेकिन ये है कि हम फिर जब ऐप आगे डेवलपमेंट में जाएंगे तो फिर हमें कुछ काम करने होते हैं, जब हमारी एक्टिविटी लोड हो रही होती है उस वक्त, तो फिर हम वो ऑन स्टार्ट या ऑन क्रिएट या ऑन रिज्यूम में उनको लिखेंगे, और कुछ ऑपरेशन हमें करने होते हैं, कुछ टास्क हमने परफॉर्म करने होते हैं जब हमारी एप्लीकेशन
ऐप जो है वो मेमोरी से डिस्ट्रॉय हो रही हो, तो शटिंग डाउन ऑपरेशन जो है वो फिर हमें ऑन डिस्ट्रॉय में या ऑन स्टॉप में हमें लिखने पड़ते हैं। तो ये हमने पूरा उसका जो लाइफ साइकिल है उसको हमने उसके तमाम मेथड्स को एक्सप्लोर कर ली है, जो हमने पहले एक लेक्चर में प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टडी किए थे, तो उन्हें प्रैक्टिकली भी हमने चेक कर लिए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, अल्लाह हाफिज़।